तेजस्वी यादव जी रांची गए हैं और उनको कोई भाव नहीं दे रहा है, भाव उनको मिलेगा ही नहीं, इसलिए कि महागठबंधन में भी उनकी स्थिति ऐसी हो गई। महागठबंधन के लोग भी समझ रहे हैं कि अब तेजस्वी जी को बिहार की जनता इनकार कर चुकी है और झारखंड की जनता भी इनकार कर चुकी है, तो क्यों उनको भाव देगा। गठबंधन में अब उनका अस्तित्व भी बहुत नहीं बचा। परिवारवाद को लेकर के सवाल खड़ा होता है, सीतारामन जी ने अपनी बहू को टिकट दिया है। नीतीश जी के साथ लगता है तेजस्वी यादव थे तो उस वक्त ज्यादा उनकी पूछ होती थी क्या? नहीं, देखिए क्या था ना कि तेजस्वी जी और आरजेडी हमेशा इस बिहार में जातिवाद फैलाकर, भ्रम फैलाकर और तोड़ जोड़ की राजनीति कर लोगों को गुमराह कर कुछ दिन सत्ता में रह गए, लेकिन अब बिहार के लोगों को विकास चाहिए और बिहार के लोग जानते हैं कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी आरजेडी है और तेजस्वी जी हैं, और लालू जी के ज़माने में भी यही काम हुआ करता था। तो बिहार के लोग विकास चाहिए, बिहार के लोग अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बिहार को निराश जो आरजेडी और तेजस्वी जी और नीतीश जी के राज में भी जब यह थे उस समय भी हमेशा इन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने का काम तेजस्वी जी करते थे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी उनसे अलग भी हुए थे। और धोखा आरजेडी और तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोगों ने दिया है, बिहार की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चाहे जिस भी पद पर हो, संगठन में हो या सरकार में हो, वह अपने कार्यकर्ता के स्वभाव को छोड़ता नहीं और कार्यकर्ता के रूप में भी उसको पार्टी का काम और समाज की सेवा करनी पड़ती है सरकार में रहते हुए। और आप माननीय प्रधानमंत्री जी अपने को भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही समझते हैं, और झारखंड में मुझको जो जिम्मेवारी मिली है एक कार्यकर्ता के रूप में, जो मैं उसका पूर्ण तरह से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। लालू जी कह रहे हैं बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार नाम की चीज अभी ही है, अभी या अभी यहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार है, जहाँ विकास की गंगा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बह रहे हैं। लेकिन लालू जी कह रहे हैं कोई सरकार नहीं है, लेकिन उस समय तो जंगल राज की सरकार थी, और मैं तो बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि 2020 के दो दिन के वह भ्रम तेजस्वी जी को हो गया था कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से पूरे बिहार में तांडव किया था, कोहराम मचाया था, उसको आज बिहार की जनता जानती है।